दोस्तों, कनाडा के साथ भारत आज जिस तरह के संबंध को देख रहा है उससे इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे जाकर इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ेगा। ऐसे में बाकी सब तो ठीक है, पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बिल्कुल भी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था में 15% की हिस्सेदारी रखता है और हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिसे लेकर भारत काफी बड़े कदम उठा रहा है, जिसके चलते रूस अब भारत का साथ देने के लिए मैदान पर उतर चुका है। जानेंगे आज की इस वीडियो में इस खबर पर। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत द्वारा चीन को दिए गए एक मुंहतोड़ जवाब को लेकर है, जिसके बाद चीन को इस बात का एहसास हो गया होगा कि अगर वह भारतीयों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी करते हैं तो हम उन्हें उससे दोगुना जवाब देंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को कमजोर भी करेगा। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही खबरों को डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने फर्टिलाइजर इंपोर्ट को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है और अब इसमें रूस, इजराइल, बेलारूस और जॉर्डन जैसे देशों का बड़ा समर्थन भारत को मिलना शुरू हो चुका है, जिसमें रूस और इजराइल प्रमुख देश हैं। दरअसल कनाडा भारत को काफी बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है, जिसमें पोटाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत हर साल 40 लाख टन से लेकर 50 लाख टन पोटाश आयात करता है, जो हमारे देश में कृषि को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में अगर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में फर्टिलाइजर की कमी हुई तो इसका नुकसान कितना भयानक होगा, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में जिस तरह से कनाडा के साथ भारत के संबंध हर दिन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि आगे जाकर इस पोटाश की काफी बड़ी सप्लाई में भारत को परेशानी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे लिए जरूर काफी चिंताजनक था। लेकिन अब रूस और इजराइल जैसे देशों के सप्लायर भारत का हाथ थामने के लिए तैयार हो चुके हैं और रशियन सप्लायर खुलकर ये बात कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कनाडा की तरफ से पोटाश या किसी भी तरह की फर्टिलाइजर की सप्लाई में कोई भी कटौती की जाती है तो हमारे गोदाम में भरकर इनके स्टॉक मौजूद है, जो कि हम आपको किसी भी वक्त जरूरत अनुसार सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये खबर भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इससे हमें इस बात का आश्वासन मिल चुका है कि हमारे पास पोटाश समेत दूसरे फर्टिलाइजर के लिए कनाडा के अलावा भी अतिरिक्त काफी विश्वसनीय सप्लायर मौजूद है, जिससे हमें कनाडा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही अगर भारत रूस से पोटाश आयात करता है तो ये भारतीय रुपए के लिए भी अच्छा होगा, जिससे दोनों देशों के बीच का व्यापार बढ़ेगा और हम रूस को भारतीय रुपए में पेमेंट करने के लिए तैयार कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कनाडा के साथ इस विवाद की वजह से हम पोटाश और फर्टिलाइजर की सप्लाई रूस, इजराइल, बेलारूस और जॉर्डन जैसे देशों से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं तो ये भविष्य में भी भारत को कनाडा को लेकर किसी भी तरह की चिंता से स्वतंत्र कर देगा। इसके बाद हम फर्टिलाइजर के लिए भी कनाडा पर निर्भर नहीं रहेंगे। यही वजह है कि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कनाडा के सप्लायर पोटाश की सप्लाई में परेशानी खड़ी करते हैं या फिर बिजनेस वैसे ही चलता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर चीन की तरफ से की गई एक ऐसी हरकत को लेकर है जिसका भारत ने काफी मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन हमें लगता है कि हमें इससे भी और कड़े एक्शन लेने की जरूरत है, वरना भविष्य में भारत को चीन की तरफ से काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि कल यानी शनिवार 23 सितंबर से 19th एशियन गेम्स चीन के अंदर शुरू होने वाला है, जिसके लिए दर्जनों देशों के खिलाड़ी चीन पहुंच रहे हैं। ऐसे में एशियाई गेम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ी भी चीन पहुंच रहे थे कि तभी चीन ने एक ऐसी हरकत की जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को अपने देश में एंट्री देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वापस भारत लाया गया। इस मामले को लेकर भारत काफी नाराज है और हमने चीन के अथॉरिटी के साथ इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया। इतना ही नहीं, बल्कि अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का अपना एक स्केड्यूल विजिट भी रद्द कर दिया है। भारत ने चीन का मजबूत विरोध करते हुए अपने स्टेटमेंट में खुलकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चीन डोमिसाइल के आधार पर चीन अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने देश में एंट्री नहीं दे रहा है। इसका हम पूरा विरोध करते हैं, जो कि हर तरफ से गलत है। साथ ही भारत ने इस बात को भी दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड हिस्सा है, जिसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह हर देश के खिलाड़ियों को आने की इजाजत देते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उनके हिसाब से वे अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए वे इन खिलाड़ियों को एंट्री नहीं देंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरह की हरकत चीन ने की है, क्या आपको लगता है कि भारत को एशियन गेम्स का बहिष्कार कर देना चाहिए या फिर ये काफी बड़ा स्टेप होगा? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।